हाय फ्रेंड, कैसे हो? आज हम घर में बची हुई चावल को फ्राई करने का तरीका बताए हैं, बिना प्याज और बिना लहसुन का। आप चाहे तो फ्राई करते वक्त आप प्याज, लहसुन, शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स भी डाल सकते हो। आज हमने बिना बीन्स, बिना गाजर और बिना शिमला मिर्च और बिना प्याज, बिना लहसुन का ही बनाने का तरीका बताए हैं। हर किसी तो ये नहीं है कि प्याज लहसुन खाता ही है, इसीलिए हमने आज बिना प्याज लहसुन के बनाने का तरीका बताया है। हमने ये चावल घर का ही ले ली है और इसे पानी से भिंगो कर ले लिए हैं। इसमें मिक्स करने के लिए धनिया पत्ता, चार हरी मिर्च, अदरक, जीरा और कढ़ी का पत्ता हमने ले ली है चावल को फ्राई करने के लिए। अब हम गर्म कढ़ाई में, हाई गर्म कढ़ाई है, उसमें 4 छोटे चम्मच सरसों का तेल डाल दिए हैं। सरसों का तेल भी हाई गर्म होनी चाहिए। अब हम 1 चम्मच जीरा और अदरक क्रश किया हुआ, कढ़ी का पत्ता और हरी मिर्च, आप इसमें चाहे तो इसमें प्याज और जो खाते हैं वो डाल सकते हैं, हमने स्किप कर दी है। और ये चावल, इसे ब्राउन होने तक पकाकर और चावल डाल दें और स्वाद अनुसार नमक, जीरा मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, सब्जी मसाले पाउडर। अब इसे चलाते हुए फ्राई करना है पूरी अच्छी तरीके से, और इसे चलाते रहना है और आंच मीडियम हाई होनी चाहिए, हाई नहीं। अब इसे चलाते रहना ताकि अंदर ये चिपके नहीं। चावल पूरी अच्छी तरह से हमने चलाते हुए इसे फ्राई कर रही हूँ और आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, हमने हरी मिर्च ही ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिए थे। अब फ्राई हो गई है, अब हम धनिया डालकर इसमें 5 मिनट के लिए और बिना ढके ही इसे फ्राई करनी है चावल को। अब चावल को बिना ढके ही हमने फ्राई कर ली है, चावल पूरी अच्छी तरह से खिली खिली सी फ्राई हो गई है। अब इसे अलटते पलटते और फ्राई कर लेंगे 2 मिनट, चलाते ही रहना है चावल को ताकि अंदर चिपके नहीं। चावल अब पूरी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, आप देख सकते हो पूरी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अगर चावल फ्राई करने का तरीका अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्राई की हुई चावल में अब हम नींबू का अचार और भुंजिया और 1 मूली और सादा नमक हमने परोस ली।